إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فَاعُوذُ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله फ़कदफ़ा दफ़ाउदन अदीम हर तरह की तारीफ़ तो बड़ाई बुज़र्गी किबरियाई हमदना उसबालमीन के लिए लायक और जेबा जो अकेला पूरी दुनिया का खालक है मालिक है हाकिम है राजिक है जिसके हाथ में पूरी दुनिया की बादशाह था और जो अपने अर्श पर होते हुए पूरी कायनत का निज़ाम चला रहा है बाद उसके तमाम नबियों और रसूलों पर दरूद और सलाम नाजिल हों खून आखिरी नबी हज़रत महमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आख़री नबी आखिरी रसूल आखिरी पैगंबर बनाकर इस दुनिया के लिए भेजे गए जिनके बाद अब क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं मोहतरम हाजरीन और रमज़ान बड़ी तेज़ी के साथ गुज़र रहा है दो अशरे गुज़र चुके हैं हम आखिरी अशरे में हैं आज रमजानुल मुबारक की बाईस तारीख़ है यानी हम सब का बाईसवा रोज़ा है अल्लाह हम सब के क़याम सियाम को क़बूल फरमाए दो अशरों के मुकाबले में अल्लाह के नबी नबीम आखिरी अशरे में ज़्यादा मुस्तद हो जाते थे जिस तरीक़े से ग्यारह महीने हम इबादतें करते हैं लेकिन रमज़ान का महीना जब आता है तो हमारी इबादतों की तादाद बढ़ जाती है। फ़राइज के साथ हम नवाफिल का भी एहतमाम करते हैं, सदक़ खैरात भी करते हैं, क़याम करते हैं दिन में रोज़ा रखते हैं सहरी व इफ्तार का इंतज़ाम करते हैं तो ग्यारह महीनों के मुकाबले में रमज़ान में आदमी की एक्टिविटी इबादतों का शौक़ बढ़ जाता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ये था कि 20 रमज़ान गुज़रने के बाद आखिरी 10 दिन जो होते थे वो 20 के मुकाबले में ये 10 दिन में एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती थी लेकिन इसके मुकाबले में हमारा हाल ये है कि हम 20 दिन इबादतें करके थक जाते हैं और आखिरी दस दिन कैसे हमारे गुजरते हैं इन बताऊंगा बताऊँगा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा दखल अल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था आपका दस्तूर ये था कि जब आखिरी अशरा आता था अहया लैलहू तो आप पूरी रात सब्बेदारी करते थे वह आई कजा अहल हो अपने घर वालों को भी जगाते थे वह शद अजर और आप कमर बस्ता हो जाते थे यानी आप अपनी कमर कस लेते थे सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है तो दूसरे दो अशरों के मुकाबले में आखिरी अशरे में रात भर शब्बेदारी करना घर वालों को जगाना कमर कस लेना ये इस बात की दलील है कि दो अशरों के मुकाबले में आखिरी अशरे में कुछ फजीलत ज़्यादा है वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं करते आम हालतों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने पूरी रात जागने से मना किया एक सहाबी के बारे में आपको इतला दी गई कि वो हमेशा रात भर नमाज पढ़ते हैं नवाफिल का एहतमाम करते हैं तो आप अलैहि वसल्लम ने वो सहाबी को बुलाया और कहा तुम्हारी आँखों का भी तुम्हारे ऊपर हक है इसलिए सो जाया करो तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे ऊपर हक है इसलिए अपने जिस्म को अपने बदन को आराम पहुँचाओ तो आम हालतों में तो आपने ऐसा कहा है लेकिन रमज़ान के आखिरी अशरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात जागते थे और जागते नहीं थे बल्कि अपने घर वालों को भी जगाते थे ये इस बात की दलील है कि आम दिनों के मुकाबले में रमज़ान के आखिरी दस दिनों की फजीलत बहुत ज़्यादा है हमें भी मुस्तैद हो जाना चाहिए हमें भी एक्टिव हो जाना चाहिए सही बखारी सही मुस्लिम की यह हदीस जैसा कि हमें बताती है सही मुस्लिम की एक और हदीस है अम्मायशा से दीका रजील् कहती हैं कान अलैहि वसल्लम यज फिल अशरिल अवखिरी अल्लाह के नबी वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे के दिनों में बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे माला यजतही दोफ़ी गई रिहा आम दिनों में आप उतनी मेहनत नहीं करते थे ये दोनों हदीसें बता रही हैं कि आखिरी अशरे की फजीलत पहले दोनों अशरों के मुकाबले में ज़्यादा है इसलिए हमें मुस्तैद हो जाना चाहिए हमें एक्टिव हो जाना चाहिए और हमें इबादत के लिए कमर कस लेना चाहिए कमर कसने का मतलब क्या है आदमी मुस्तैद हो जाए एक्टिव हो जाए सुस्ती और काहली को दूर कर दे 20 दिन हमारा मामला ये था कि तरावी पढ़ के हम जाते थे खाना खाते थे आराम करते थे फिर शहरी में उठते थे लेकिन ये आखिरी 10 दिनों में हमारा मामूल ये होना चाहिए कि हम अपने बिस्तर को लपेट दें आखिरी अशरे में हमारा ये मामूल होना चाहिए कि पहले दो अशरों के मुकाबले में दुआओं का अहमाम ज़्यादा करें ज़िक्र अजकार ज़्यादा करें कुरान मजीद की तिलावत ज़्यादा कर दें अल्लाह तबारक व तआला के सामने तोबा इसतफार में आगे बढ़ें हमें आखिरी अशरों में इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है आखिरी अशरों में आखिरी अशरे में अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम अल्लाह से करीब होने के लिए जिन इबादतों का अहतमाम करते थे उसमें सबसे अहम इबादत एतकाफ़ है आप वसल्लम हमेशा दस दिन का एतकाफ़ करते थे सही बुखारी सही मुसलिम की हदीस है अम्माइशा सिद्दीक़ार रजी अल्लाह बयान करती हैं कान नबी वसलम तशरवा बिन रमलाना हता तवा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में हमेशा एतकाफ़ करते थे हत्ता तवफ़ाहुल्लाह यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको वफ़ात दे दी यानी हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ का अहतमाम करते थे ए तकफ़ा अज़वाजुहु मिन मुम्बा आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम के जाने के बाद भी आपकी अजवाज मुतहरात ने आपकी सुन्नत को ज़िंदा रखा और एहतक करती रहीं। तो अल्लाह के नबी वसलम आखिरी अशरे में एतकाफ करते थे आप ही नहीं बल्कि अजवाज मुतहरात भी अहतका करती थी एहतक क्या है अल्लाह से करीब होने का बेहतरीन जरिया दुनिया से अपने आप को अलग कर लेना है दुनिया और दुनिया की मशगूलियात से कट करके सिर्फ़ अल्लाह की तरफ रजू हो जाना अल्लाह तबारक तआला को याद करना इसी तरह हरताना रज़ी अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु वसल्लम हर साल दस दिन का एतकाफ़ करते थे लेकिन जिस साल आपकी वफात हुई उस साल आपने बीस दिन का एहतिकाफ़ किया बहुत सारे लोगों को हमने देखा है एक दिन का एहतिकाफ़ करते हैं दो दिन का है। ये अहतकाफ़ का मज़ाक है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दस दिन से कम का इतिकाफ साबित नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में जो एहतक करते थे हमारे अपने इल्म के मुताबिक और तहक़ीक़ के मुताबिक दस दिन से कम आपनेतकाफ़ नहीं किया बल्कि जिस साल आपकी वफ़ात हुई उस साल तो आपने बीस दिन का एहतिकाफ किया रमज़ान के आखिरी अशरे में अहतका करना ये नबी की सुन्नत है आज बहुत सारे लोग एक दिन का एतकाफ़ करते हैं दो दिन का एहतिक करते हैं तीन दिन का एहतिकाफ करते हैं बहुत लोग एहतकाफ़ में बैठते हैं ज़रूरत पड़ती है तो उठ के चले जाते हैं ये अहतका मजाक है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने में दस दिन से कम का एतकाफ नहीं किया है तो उमर रज़ी अल्लाह तआला तैालों का जो वाकया है कि उन्होंने एक दिन हरम में एतकाफ किया था तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो गैर रमज़ान का वाकया है तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला तहों ने अल्लाह से नज़र मानी थी कि आए अल्लाह मेरा ये काम हुआ तो मैं तेरे घर में एक दिन का एतकाफ करूँगा इसलिए अल्लाह के नबी सल्लम को जब ये बात मालूम हुई तो आपने हजरत उमर से कहा कि अपने नज़र को पूरा करो एहतिकाफ को पूरा करो तो नफली इबादतों में एक दिन का एतकाफ करना गैर रमज़ान में सही और दुरुस्त है लेकिन रमज़ान में सुन्नत एतकाफ़ जो है वह दस दिन का है अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा से इससे कम का एहतिक साबित नहीं इसी तरीके से अहतकाफ़ में जो ग़लतियाँ की जाती हैं उसमें एक गलती ये भी है कि बहुत सारी ख़वातीन घरों में अहतकाफ़ करती हैं और लोगों ने उनको फतवा दे दिया है कि घरों में अहतका किया जा सकता है एतकाफ़ का मकाम मस्जिद है अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तुम अंतुम आकिफून फिल मसाजिद जब तुम मस्जिदों में अहतकाफ़ में बैठे हुए हो घर में अहतका नहीं किया जा सकता है ना मर्द कर सकता है ना औरत कर सकती है एतकाफ मस्जिद में करना है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अजवाज मतहरत ने मस्जिद में ही एतकाफ किया था जबकि हम सबको मालूम है कि अजवाज मतहरत के जो हजरात थे वो बिल्कुल मस्जिद से लगे हुए थे अगर मस्जिद के अलावा हुजरों में एतकाफ करना जायज़ होता दुरुस्त होता तो अजवाज मतहरात को मस्जिद में आने की क्या ज़रूरत थी वो अपने हुजरों में एतकाफ कर लेते एतकाफ़ का मकाम मस्जिद है मस्जिद के अलावा दूसरी जगहों पर घरों वग़ैरह में अहतक करना सही और दुरुस्त नहीं है बहुत सारे लोग एहतिकाफ करते हैं लेकिन कोई भी ज़रूरत होती है तो उठकर चले जाते एहतक कितना अहम अमल है हज़रत आयशा सद्दीक़ा रज़ील् ताल की सदी से आप समझ सकते हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ील् तैाल ने फ़रमाया असन्नतमफल्लाऊद मरीज मोतकफ़ यानि अहतकाफ़ करने वाले के लिए ये सुन्नत है यही तरीक़ा सही है कि वो किसी मरीज़ की क्यादत के लिए नहीं जाएगा कोई बीमार हो गया कोई मरीज़ है तो मोतकिफ जो एहतिकाफ़ में बैठा है किसी मरीज़ की इयादत के लिए नहीं जाएगा और मरीज़ की इयादत करना कितना सवाब का काम है आपको बताऊँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी मरीज़ की इयादत करता है सुबह के वक्त में गया है तो सत्तर हज़ार कितने सत्तर हज़ार फरिश्ते सुबह से लेकर के शाम तक उसकी मफफ़रत की दुआ करते और अगर शाम को कोई शख्स किसी मरीज़ की यादत के लिए गया है तो सुबह तक सत्तर हज़ार फरिश्ते उसके लिए मकफरत की दुआ करते हैं। मरीज़ की यादत करना कितना सवाब का काम है लेकिन मोतकफ़ जो एहतिकाफ़ में बैठा है किसी मरीज की यादत के लिए नहीं जा सकता आगे हजरत आयशा सिद्दीक़ रज़ील्ला तरमाती हैं वाला यशहद जनाजन जनाजे में भी नहीं शरीक हो सकता है आप मोतकफ़ की संगीनी को समझिए मरीज़ की इयादत के लिए नहीं जा सकता है जनाजे में शरीक होने के लिए नहीं जा सकता जबकि जनाजे में शरीक होने के मुतालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन शहीद जनाजता हता तुफना फ़लाहू कीरातान जो शख्स किसी जनाजे में शरीक हुआ जनाजे की नमाज भी पढ़ी और उसके दफन तक भी शरीक रहा तो उसको दो कीरात सवाब मिलता है साहबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल दो कीरात से मुराद क्या है आपने फरमा मफलजबलम दो पहाड़ों के वजन के बराबर सवाब मिलता है। लेकिन अगर कोई शख्स सिर्फ नमाज जनाजा में शरीक रहा तदफीन में शरीक नहीं हुआ तो उसको एक की रात मिलता जनाजे में शिरकत का सवाब एक बड़े पहाड़ के वज़न के बराबर है जनाजे में शरीक होने के बाद तदफीन तक रहने का सवाब दो पहाड़ों के वजन के बराबर है लेकिन हमारे नबी ने फरमाया जो एतकाफ़ में बैठा हुआ है अपने आप को अल्लाह के लिए खास कर लिया है वो ना मरीज की ईदत के लिए जाएगा ना जनाजे में शरीक होगा छोटी छोटी बातों के लिए लोग फतवा पूछते रहते हैं आगे सुनिए हजरत आयशा सद्दीक़ा रजी अल्लाह तैाल आगे, आगे फरमाती हैं वला मरातन किसी औरत को छूएगा भी नहीं क्यों इसलिए कि वो हालत तकाफ में है वला युबा शुरू हा औरत से हम बिस्तरी भी नहीं करेगा क्यों इसलिए कि वो हालत तकाफ में है बीस दिन तक अल्लाह तबारक ने हमें इजाजत दी इफ्तारी करने के बाद ईशा की नमाज के बाद फजर की अजान तक अपनी बीवी से मिलना जुलना हम बिस्तरी करना जायज़ और दुरुस्त रखा गया लेकिन आखिरी अशरे में जो आदमी एतकाफ़ में आ गया अब वो बीवी से हम बिस्तरी नहीं कर सकता क्यों अल्लाह से करीब होने के लिए एक और कदम आगे बढ़ा बीवी को करीब नहीं कर सकता है वो तमाम लवाजिमत और वो तमाम महरिकात जो इंसान को बीवी से मिलने और मुबाशरत करने पर मजबूर कर दे उन तमाम को अवेट करेगा उन तमाम से अपने आप को दूर रखेगा कि कहीं ऐसा ना हो जज्बात बेकाबू हो जाए और आदमी कोई ऐसा काम कर बैठे जो शरीयत में मना है तो एहतिकाफ में इन चीज़ों का खास ख्याल रखा जाए आगे फरमाती हैं वला युज लिहाजत ही लाबुद्द लहू वो मस्जिद से बाहर नहीं निकलेगा सिवाय उसी काम के जिसके लिए निकलना बहुत ज़रूरी है यहाँ से मुराद क्या है मैं आपको बताऊं। आज हमारे दौर में मस्जिदों में वॉशरूम का बाथरूम का इंतज़ाम कर दिया गया लोग वजू के लिए नहाने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है अल्लाह के नबी सल्लम के ज़माने में मस्जिदों में वाशरूम बाथरूम नहीं होता था अब आदमी एतकाफ़ में बैठा है उसको पेशाब पैखाना की ज़रूरत हुई तो कहाँ जाएगा जरूरी बात है वो बाहर जाएगा इल्ला ये कि जो उसके लिए जरूरी हो इससे मुराद यही है कि सिर्फ पाखाना पेशाब के लिए बाहर जा सकता है वरना नहीं जा सकता है एतकाफ को लोगों ने फैशन समझ लिया आज हमारे लोगों का एतकाफ क्या है आदमी हर साल एतकाफ बैठना एतकाफ में कंपटीशन करना लोगों को ये बताना कि मैं इतने सालों से एतकब बैठ रहा हूँ अपनी मनपसंद मस्जिद का इंतखाब करना जिसमें सहूलतें बहुत ज़्यादा हों ये ये इसी इसी सब के लिए एहतक बैठते हैं एतकाफ का मकसद यही है ऐसी मस्जिद में एतकब बैठना जहाँ एहतक में बैठने वालों की तादाद ज़्यादा हो हमें तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसी मस्जिद में एतकब बैठें जहां लोग कम हों ताकि मशगूलियात से महफूज़ रहें दुनियावी बातचीत से महफूज रहें गीबत और चुगली से महफूज रहें लेकिन किसी ऐसी मस्जिद का इंतखाब करना जो हाईटेक हो जहां पर बहुत ज़्यादा लोग एहतक बैठते हों जहां पर हमारे दोस्त लोग एहतिकाब में बैठे हुए हों रमज़ान के इस आखिरी अशरे में अल्लाह को अल्लाह से करीब होने के लिए अल्लाह की तरफ रजू होने के लिए बहाना बना करके दोस्तों की टीम तैयार करना और एक नए मकसद के तहत एतकब बैठना सोचिए हम कहाँ जा रहे हैं हमारी सोच कहाँ तक पहुँच गई है जनाजे में शरीक नहीं हो सकते हैं मरीज की अयादत के लिए नहीं जा सकते हैं मस्जिद से बाहर निकलना दुरुस्त नहीं है सिवाय पे पाखाना और पेशाब के आप सोचिए कि एहतकाफ का लोगों ने कैसा मजाक उड़ाया और उससे भी आगे बढ़िए एतकाफ इसलिए किया जाता है ताकि हम दुनिया से कट करके अल्लाह की तरफ रजू हों लेकिन एतकाफ़ में आज बैठने वाले ये मोबाइल फ़ोन और ये लैपटॉप इंसान को एतकाफ़ नहीं बल्कि मस्जिद के तकद्दस को पामाल भी करवाती है कितने लोग ऐसे हैं जो मस्जिद में बैठ करके सोशल मीडिया पर अपने अवकात ज़ाय करते हैं बाज़ लोग तो सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें देखते हैं जो आम हालतों में आम जगहों पर भी नाजायज़ और हराम है मस्जिदों में भी बैठ कर के मस्जिदों के तकद्दस को पामाल किया जाता है और आगे बढ़िए अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई शख्स मस्जिद में मस्जिद में तिजारत की बात करता है हमारे नबी ने फरमाया कि उसके लिए बद दुआ करो गौर से सुनिए हमारे नबी ने फरमाया कि अगर कोई शख्स मस्जिद में होते हुए तिजारत की बात करता है तो उसके लिए बद दुआ कर दो कि अल्लाह उसकी तिजारत को तबाह बर्बाद कर दे मस्जिद में बैठकर, रमज़ान के महीने में बैठकर आखिरी अशरे में बैठ कर एतकाफ का नाम लेकर के लोगों की निगाहों में अच्छा बन करके हम अपनी मोबाइल पर तिजारत चला रहे हैं हम तिजारत की बात कर रहे हैं हमारा पूरा कारोबार हमारा पूरा सिस्टम चल रहा है जब आप इतने ज्यादा मशगूल हैं तो आपको एतकाफ़ में नहीं बैठना चाहिए मस्जिद के तकद्दस को पैमान न करें एतकाफ में बैठने का मतलब यह होता है मोबाइल वगैरह बंद कर दें आप हाँ इल्ला ये की क़ुरान मजीद पढ़ने के लिए इल्ला ये की दीनियात पढ़ने के लिए इल्ला ये की ज़रूरत के तहत किसी से कॉन्टेक्ट करने के लिए इफ्तारी या सहरी मंगाने के लिए इसके अलावा आप मोबाइल का इस्तेमाल न करें मोबाइल पर कपड़े सिला रहे हैं मोबाइल पर मार्केटिंग हो रही है मोबाइल पर पूरा शेड्यूल भेजा जा रहा है ये सारी चीज़ें एहतक के खिलाफ हैं एतकाफ़ की रूह को लोगों ने ख़त्म कर दिया है मेरे भाइयों एतकाफ़ की संगीनी को समझो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताल ने कहा मरीज़ की यादत के लिए नहीं जा सकते हैं जनाजे में शरीक नहीं हो सकते हैं औरत को छू नहीं सकते हैं औरत से हम बिस्तरी नहीं कर सकते हैं बिला ज़रूरत मस्जिद से बाहर नहीं निकल सकते हैं अला ये कि पाखाना पेशाब और नहाने की ज़रूरत एहतकाफ ये नाम के लिए नहीं है अल्लाह से रबत का बेहतरीन जरिया एतकाफ़ में बैठने वाला कुरान मजीद की तिलावत कसरत से करे एतकाफ़ में बैठने वाला बेहतर यह है जहाँ तक हो सके आदमी से बात ही ना करे गुफ्तु ना करे इसलिए कि गुफ्तु करेगा तो झूठी बातें होंगी गिबत और चुगली की बातें हों जहाँ तक हो सके दुनियावी बातें करने से आदमी को परहेज़ करना चाहिए अल्लाह का जिक्र कसरत से करे तोबा और इसतफार करे अल्लाह अल्लाह से अल्लाह से दुआएं करें और फ़राइज़ के अलावा नवाफिल का भी अहतमाम करें आज बहुत सारे लोग रमजान में रात में शबददारी करते हैं पूरा दिन सोते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए मोतकफ़ तो रमज़ान में आखिरी अशरे में रात में भी शबेदारी करता है अगर रात भर शब्दारी कर दिन भर सोना ही था तो क्या फ़ायदा हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादतें करनी चाहिए सुन रवातिब जिनको सुन्नत सन्नत कहा जाता है जो दिन में बारह रकात है हमारे नबी ने फरमाया जो इन बारह रकातों का अहतमाम करेगा रोज़ाना अल्लाह ताला उसको जन्नत में महल बनाएगा हमने देखा है रमज़ान में इमाम की जिम्मेदारी होती है ख़तीब की जिम्मेदारी होती है जो ग़लतियाँ देखे वो बता दे मैंने देखा ऐशा के बाद लोग बैठे रहते हैं ऐशा के बाद दो रकात जो सुन्नत सुनत है मैंने कई दिनों तक नोट किया है बहुत सारे लोग ईशा की बात की सुन्नत मौकदा नहीं पढ़ते हैं। क्या यह सही है आज कितने लोग हैं ईशा की नमाज फर्ज है उसके बाद दो रकात ईशा के बाद सुन्नत मौकदा ज़रूरी है लोग नहीं पढ़ते हैं सिर्फ तरावी के लिए खड़े होते हैं बीच में जो वक्फा बैठता है सिर्फ बातचीत में चाय पानी में गुजार देते हैं जबकि ईशा के बाद दो रकात जो सुन्नत है वह सुनत मौकदा बाज लोगों को यहाँ तक भी देखा गया कि लोग फ़र्ज नमाज से ज़्यादा नफिल की अहमियत देते हैं ऐशा की नमाज़ में जमात में शामिल नहीं होते हैं हाजिर नहीं होते हैं लेकिन तरावी पढ़ने के लिए लोग कई किलोमीटर दूर से आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है आना चाहिए लेकिन ऐशा की नमाज़ पहले है ऐशा की नमाज़ फ़र्ज है आपको इतना शौक़ है तो ऐशा की नमाज़ में हाजिर होइए अगर तरावी नहीं पढ़ेंगे नफिल का अहमाम नहीं करेंगे हम मसूल नहीं होंगे लेकिन अगर ऐशा की नमाज़ जमात हमने छोड़ दिया तो अल्लाह के यहाँ हमें मशूल होशूल है, है। अल्लाह हमसे सवाल करेगा तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल करें आखिरी अशरे में जो बहुत सारी इबादतें की जाते हैं उसमें क्यामल है आम दिनों में हम पौना घंटा एक घंटा सवा घंटा क़्याम करते थे लेकिन रमज़ान में हम इसकी तादाद और बढ़ा दें अब जो एक घंटा था उसको डेढ़ घंटा दो घंटा कर दें अल्लाह के नबी नबीलम का तरीक़ा यही था रमज़ान के आखिरी अशरे में क़्याम को लंबा कर देना बहुत सारे लोग जिनके पास कम इल्म है वो लंबे क़याम पर ऊपर एतराज़ करते हैं सही नहीं है अल्लाह के नबी नबीसम आखिरी अशरे में खसूसी तौर पर क़याम बहुत लंबा करते थे आपने तीन दिन तक तरावी पढ़ाई तक आपने लैल कराया एक रात की बात तो साहबा कहते हैं अल्लाह के नबी वसल्लम ने कयाम इतना लंबा कर दिया हम तो डर गए कि आज हमको सहरी खाने का मौका नहीं मिलेगा तो आखिरी अशरे में कयाम यानी रात की नमाज को तरावी की नमाज को और लंबा कर देना यह भी वसल्लम की सुन्नत है शब कदर की तलाश करना यह आखिरी अशरे की ताक रातों में और अब मैं आपको बताऊं ये तमाम फसाइल जो हैं ये कुरान की अजमत से जुड़े हुए हैं रमज़ान की फजीलत कुरान की वजह से है आखिरी अशरे की फजीलत कुरान की वजह से है शब क़दर की फजीलत कुरान से है जो क़ुरान से जुड़ गया उसकी फजीलत बढ़ गई कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाए फ़ीले लतद्र हमने इस कुरान को लई लतद्र में नाजिल किया व अदरा कमा लई क़द्र और तुमको क्या मालूम क़द्र क्या है क़द्र लतुल्क़द्र मिन अल्फ शहर ले क़द्र हजार महीने की रातों से बेहतर जिस रात में कुरान नाजिल हुआ वो रात पूरे साल में सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है उसी को शब कदर कहते हैं उसी को लतुल्क़द्र कहते हैं इस रात को यह फजीलत जो मिली किस वजह से कुरान के नजूल की वजह से अल्फ़ शहर इस एक रात की इबादत हजार महीने की रातों की इबादत से बेहतर है कुरान मजीद जिस रात नाजिल हुआ वो रात तमाम रातों में सबसे बेहतर है जिसको हम कदर कहते हैं जिस अशर में नाजिल हुआ वो अशर तमाम अशरों में सबसे बेहतर है जिसको आखिरी अशरा कहते हैं जिस महीने में नाजिल हुआ वो महीना सब महीनों सब महीनों में बेहतर है जिसको रमज़ान कहते हैं शहर और रमज़ान हिल क़ुरान रमज़ान का महीना वही है जिसमें कुरान नाजिल हुआ जिस शहर में नाजिल हुआ वो शहर सबसे अच्छा शहर है जिसकी अल्लाह ने कसम खाई लाउसम बिहादल बलत मैं इस शहर की कसम खाता हूँ जिस नबी पर नाजिल हुआ वो नबी तमाम नबियों का सरदार सल्लल्लाहु मोहम्मद वसल्लम जिन लोगों के दरमियान इस कुरान का नजूल हुआ वो सबसे अच्छे सहाबाए के जिनके मुतालिक अल्लाह के नबी ने फरमाया खैर जिस उम्मत पर इस कुरान का नाजिल हुआ वह उम्मत तमाम उम्मतों में सबसे बेहतर अल्लाह ने फरमायान उखरजत व तरबिलहू अनिल मुनकर कुरान से जिसने नस्बत जोड़ ली वो जर्रा आफताब हो गया कुरान ने रात को कद्र बना दिया कुरान ने रमज़ान की अजमत बढ़ा दी कुरान ने नबी को सैयदुल अंबिया बना दिया कुरान ने मक्का को अमीन बना दिया कुरान ने इस उम्मत को खैर उम्मत बना दिया कुरान ने सहाबा को सबसे बेहतरीन ज़माने के लोग बना दिया आज हम उसी कुरान को भूल गए शब कदर का ताल्लुक कुरान से बहुत गहरा है। हमें चाहिए कि इस रात में ज्यादा से ज्यादा कुरानी मजीद की तिलावत करके अल्लाह को राजी करें मैं भी रात में गुफ्तु कर रहा था हमारे अपने घरों में हजरत उस्मान रजी अल्लाह का वो मंजर हमारे सामने था आपने शहादत उस्मान का वाकया सुना होगा उनके घर का मुहासरा कर लिया गया था खाना पानी बंद कर दिया गया था हजरत ऊस्मान गनी रज़ी अल्लाह रोजे की हालत में थे आप तारीख पढ़ो उनके ज़िंदगी के वह आखिरी लम्हा जब उनके ऊपर हमला किया गया तो वो कुरान की तलावत कर रहे थे कुरान की तलावत कर रहे थे दुश्मन तलवार से वार कर रहा है लेकिन निगाह कुरान पर टिकी हुई है आज हमने कुरान को पढ़ना फैशन समझ लिया जब हमारी तबीयत चाहती है पढ़ लेते हैं वरना जुजदान में लपेट करके ताकों में सजा दिया जाता है कैसा ईमान रहा होगा कुरान की अजमत और कुरान से कैसी मोहब्बत रही होगी रूह निकल रही है तलवारों से वार किया जा रहा है लेकिन निगाहें कुरान से नहीं हटी आखिरी लम्हा आखिरी घड़ी तक जब तक आंखों में रोशनी रही हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तु कुरान पर ही अपनी निगाह जमा कर रखे आज हमने कुरान को क्या बना लिया आज हम लोगों ने कुरान को छू मंतर की किताब समझ लिया कुरान को एक दूसरे पर पढ़कर फूकने का शिफा का जरिया समझ लिया कुरान को कसम खाने के लिए उस पर हाथ रखना उठाना इसी के लिए कुरान को हमने समझ लिया कुरान पढ़ने के लिए आया है कुरान समझने के लिए आया है कुरान दस्तुर हयात है कुरान अल्लाह की किताब है कुरान अल्लाह की रस्सी है जिसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है दूसरा सिरा हमारे हाथ में है अगर हमने उस रस्सी को छोड़ दिया तो अल्लाह से हमारा रिश्ता मुन हो जाता है अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिश्ता अल्लाह से बाकी रहे तो हम कुरान को पकड़ कर रखें जोड़ कर रखें तिलावत में लगे रहें कुरान एक ऐसी रस्सी है जिसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है एक सिरा हमारे पास है आज लोग कुरान को पढ़ना नहीं चाहते आज लोग कुरान को सुनना नहीं चाहते आज लोग अपने बच्चों को कुरान की तालीम नहीं देना चाहते आज हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दे करके उनको दुनिया का हाई फाई इंसान बनाना चाहते हैं जबकि प्यारे नबी ने फरमाया कुरान खई तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो कुरान को सीखता है कुरान को सिखाता है दुनिया की तमाम किताबें आप पढ़ लें आपकी औलाद पढ़ ले ऊंची से ऊंची डिग्रियां हासिल कर लेकिन क़ुरान पढ़ना नहीं आता है तो आप जाहिल हैं और कुछ नहीं आता है हमने कुरान पढ़ना सीख लिया हमने कुरान का तर्जमा पढ़ना सीख लिया हमने कुरान का माना और मफहम समझ लिया तो हमने मकसद ज़िंदगी को समझ लिया कुरान पढ़ने की आदत डालो कुरान समझने की आदत डालो वलमा से दोस्ती करो उनके पास बैठो दीन का इल्म हासिल करो क्यों इसलिए कि कुरान छोड़ कर के से दूर हो के इंसान दीन बेजार हो जाता है उसको दीन से कोई मोहब्बत नहीं रह जाती है आज एक तहरीक चलाई जा रही है कि लोगों को वलमा से काट दिया जाए जब लोग वलमा से कट जाते हैं तो उनको जो रूहानी गज़ाएँ मिलती हैं वो नहीं मिल पाती हैं और वो धीरे 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 धीरे, धीरे दीन से दूर हो जाते हैं मेरे भाइयों ये खबारिश का फितना है वलमा से दूर होना खबारिश का तरीका है जो लोग वलमा से दूर हैं वो खबारिश के डगर पर जा रहे हैं और जो लोग वलमा से लोगों को दूर कर रहे हैं वो खबारिश का किरदार निभा रहे हैं क्यों इसलिए कि यही वमा हैं जो लोगों के दिलों में ईमान की रूह फूंकते हैं वलमा से ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे तो वो जो ईमानी और रूहानी गज़ाएँ मिलती हैं उन गजाओं से आप महरूम हो जाएंगे और कोई बहरूपिया आपको गुमराह कर सकता है कहाँ पहुँच गए धीरे धीरे शैतान ने हमको किस डगर पर लाकर खड़ा कर दिया मेरे भाइयों तो इस अशरे में सब बेदारी करना सब की तलाश करना कद्र की तलाश करना अल्लाह के नबी ससरम फरमाते हैं मुझे बताया गया कि वो कौन सी रात है मैं बाहर आया ताकि लोगों को बता दूँ कि वो कौन सी रात है लेकिन दो लोग झगड़ा कर रहे थे मैं उन दोनों के दरमियान सुलह कराने लगा और इसी दौरान हमारी निगाह से हमारे जहन से उस रात की तयन को उठा लिया गया अल्लाह के नबी ससन फरमाते हैं अब तुम उसको आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो इक्कीस तेईस पच्चीस सत्ताईस और उनतीस में शबेदारी करना आम हालतों में शब्द करना सही और दुरुस्त नहीं है पूरी रात लेकिन आखिरी अशरे में पांच रातों में शब्द करना ये सवाब का काम है इसी तरीके से इस आखिरी अशरे में बहुत सारे लोग शब्द के नाम पर गलत काम करते हैं मैंने बताया कि आखिरी अशरा ज़्यादा इबादत करने का मौका है लेकिन मेरे भाइयों आज हमारी हालत ये है आखिरी अशरा लोग मार्केट में गुजारते हैं लोग शॉपिंग में गुजारते हैं और हमारा इलाक़ा खसूसी तौर पर शॉपिंग में बहुत मशहूर है हमारे उस इलाके में आइए आप चल नहीं सकते हैं इतनी भीड़ रहती है ऐसा लग रहा है कि सारे मुसलमान शिवाजी नगर चौक और पूरा कमर्शियल एरिया पूरा लगता है कि सब यहीं आ गए हैं आखिरी अशरा जहाँ पर हमें अल्लाह की इबादत ज़्यादा करनी चाहिए अल्लाह के नबी नबीरम बीस दिनों के मुकाबले में आखिरी अशरे में और ज़्यादा मेहनत करते थे आखिरी अशरे में लोग खाने में पीने में दोस्तों की मजलिस में शॉपिंग सेंटर में जूते और चप्पल ख़रीदने में कपड़े ख़रीदने में अपना वक्त जाय करते हैं जिसके मुतिक अल्लाह के नबी ने फ़रमाया अबिलादही मसाजिदा वह अब गज़ुल बिलादील्ला सुनो लोगो ज़मीन में सबसे ज़्यादा महबूब जगहें अगर अल्लाह की निगाह में कोई हैं तो मस्जिद हैं और सबसे ज़्यादा नापसंदीदा जगहें ज़मीन पर कोई हैं तो वो बाज़ार हैं हम महबूब और पसंदीदा जगहों को छोड़कर नापसंदीदा और गंदी जगहों पर जा कर अपना वक्त ज़ाय करते हमारे नौजवान दोस्तों की पार्टियाँ देना मुख्तलिफ़ किस्म के खाने खाना शरबत पीना और हुल्लड़बाजियाँ करना आज लोग हमको देखकर हमारे ऊपर हंसते हैं कि ये मुसलमानों की कौम है जो रात दिन सिर्फ खाती पीती रहती है खाना पीना इंसान की जरूरत है इसे इनकार नहीं किया जा सकता है लेकिन खाने के वक्त में खाना खाया जाए तहजीब और सलीके से खाया जाए हमें इसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए हमने आखिरी अशरे को खाना पीना शॉपिंग करना और बाजारों में घूमना दोस्तों की मजलिस जमाना बड़ी बड़ी पार्टियां करना हमने ये सब चीज़ों में अपना वक्त ज़ाये कर दिया हालांकि होना ये चाहिए था कि रमज़ान हमसे रुख्सत हो रहा है इसकी एक एक घड़ी एक एक रात एक एक लम्हे की हम कदर करके अल्लाह के सामने रो करके के गिगड़ा करके अल्लाह को मनाने की कोशिश करते लेकिन हमारा हाल क्या है मेरे भाइयों उसके बाद हम कहते हैं अल्लाह हमारे ऊपर रहम नहीं करता है अल्लाह तबारक वाले हमारे ऊपर करम नहीं करता है हमारे अमाल हमारे करतूत कैसे हैं हम देख रहे हैं मेरे भाइयों इस तल्लुक से और बहुत सारी बातें थी इन फिर किसी जुमा में अगले जुमा में मुलाकात होगी या दूसरे दुरूस में बात होगी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हरबालमीन हम सब के क्याम श्याम को कबूल फ़रमाए हमारी नमाज़ों को कबूल फरमाए हमारे रोज़ों को कबूल तो खैरत को कबूल फरमाए हमने टूटी फूटी जो इबादतें की हैं अल्लाह तीन इबादतों कबूल फरमाए हमसे जो गलतियाँ हुई हों कोताहियाँ हुई हों गलतियों को कोताहियों को माफ़ फरमाए हमने जो सदका तो खैरत अदा किए हैं अल्लाह उनको कबूल फरमाए अल्लाह तबार को ताली हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए रमज़ान का महीना बार बार हमारी ज़िंदगी में भेज करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा नकियाँ करने की तोफ़ी नायत फरमाए रमज़ान के जो मुख्तसर आई याम रह गए हैं अल्लाह हमें इन इनियाम की कदर करने की तोफी इनायत फरमाए अल्लाह तबारक हमारे घरों में हमारी दुकानों में हमारी जिंदगी में हमारी कंपनियों और कारखानों में हमारी आफिसों में बरकतों का नजूल फरमाए अल्लाह हम सब को आने वाली ईद हम लोगों के लिए शहादतमंदी का जरिया बनाए रमजान के इस मुकदस महीने में हमने जो दुआएं की हैं अल्लाह उन दुआओं को कबूल फरमाए अल्लाह अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे मौला अल्लाह हमारी निकियों को कबूल फरमा ले मौला हम में बहुत सारे लोग बीमार हैं परेशान हैं अल्लाह उनकी बीमारियों को परेशानियों को दूर फ़रमा दे मौला अल्लाह बहुत सारे लोग कर्ज के नीचे दबे हुए हैं कर्ज़दार हैं अल्लाह इस मुक़दस महीने की बरकत से उनके कर्ज़ को ख़त्म करने की कोई सबील पैदा कर दे मौला अल्लाह हमें अपने गरीब भाइयों की मदद करने की तोफ़ी नायत फरमा मौला अल्लाह हमें अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करने की तोफ़ी नायत फरमा मौला अल्लाह हमें अपने बुजुर्गों की बड़ों की इज्जत करने की तोफ़ी दे दे मौला अल्लाह हमें अपने बच्चों पर शफकत और मेहरबानी की तोफीक दे दे मौला अल्लाह हम हमको प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर जिंदगी गुजारने की तोफीक दे दे मौला अल्लाह शैतान ने हमारे दिलों में बुग्ज हसत कीना कपट और दुश्मनी पैदा कर दी है अल्लाह हमारे सीनों को हमारे दिलों को इन 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 कबी ही बातों से अल्लाह पाक कर दे मौला अल्लाह हमारे दिलों में उल्फत मोहब्बत और एक दूसरे के तल्लुक से हमदर्दी पैदा कर दे मौला अल्लाह अयला अल्लाह जो बायाम है हमारे हमें नेकिया करने की ज्यादा से ज्यादा तोफ़ी नायत फरमा मौला अल्लाह अल्लाह हम सब की रोजियों में बरकत दे दे मौला अल्लाह हमें हलाल कमाई की और हलाल खाने की हमें तोफ़ी ननायत फरमा मौला हराम कमाई से हमारी हिफाजत फरमा मौला अल्लाह हमारी बहू बेटियों की इज्जतों की हिफाजत फरमा मौला अल्लाह हमारी बहनों ने हमारी बेटियों ने हमारी माओं ने रमजान के महीने में बड़ी मेहनतें की हैं अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमा दे मौला अल्लाह अल्लाह हम सब को नेक बना दे बोला अल्लाह अल्लाह हमारी जायज़ तमन्नाओं को पूरी कर दे बोला अल्लाह हम सब रेकार है अल्लाह हम तो उससे मांगने के लायक भी नहीं अल्लाह अल्लाह जो हमने मांगा है वो अता कर दे जो हम नहीं मांग सके हैं हमारे लिए बेहतर है वो भी अता कर दे बोला अल्लाह बुराई से हम सबको बचा ले अल्लाह ला हम सब को भलाई के कामों में एक दूसरे का ताउन करने की तोफ़ी दे मौला अल्लाह हम सब को नेक बना दे मौला अल्लाह सुन्नतों की पाबंदी करने वाला बना दे मौला अल्लाह जिस तरीके से रमज़ान के महीने में तूने इबादतों की तोफ़ी दी अल्लाह तेरी तोफ़ी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते अल्लाह तूने तोफीक दी तो हमने रोज़े रखे एल्ला तूने तोफीक दी तो हमने तलाव पढ़ी पड़ी अः्ला तूने तोफीक दी तो हमने तिलावत कुरान किया अल्लाह तेरी तोफ़ी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते अल्लाह रमजान के बाद भी हमें इसी तरह ने करने की तोफ़ी अनायत फरमा मोला अल्लाह अल्लाह हमारे घरों में बरकतों का नज़ुल फरमा दे मोला अल्लाह हमारे बच्चों को हमारे आंखों की ठंडक बना दे मोला अल्लाह हमारे वालिदैन जो इंतकाल कर गए हैं उनको करवट करवट जन्नत तो फरमा फर्मा मौला अल्लाह जिन सबके वालिदैन इंतकाल कर गए हैं सबको फिरदौस में आला मकाम अल्लाह जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनकी खिदमत करने की तौफीक नायत फरमा मौला अल्लाह अल्लाह हम सब गुनहगार हैं मौला अल्लाह हमारे गुनाहों पर, पर पर्दे डाल दे ऐ अल्लाह इतने गुनाहों के बावजूद भी तूने लोगों के दरमियान हमें इज्जत दी है अल्लाह जिस तरह दुनिया में तूने हमारे ओयोग पर पर्दे डाल दिए हैं कल महशर के मैदान में भी तू हमारे गुनाहों पर पर्दे डाल देना बोला अल्लाह दुनिया और आखिरत की जिल्लत और रुसवाई से हमको बचा ले बोला अल्लाह जिसे तू जलील कर दे उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता हम सबको जिल्लत से बचा मौला बोला अल्लाह जिसको तू इज्जत दे दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता अल्लाह हम सब को इज्जत की ज़िंदगी अता कर इज्जत की मौत अता कर मौला अल्लाह हमारी दुनिया को बेहतर बना दे इसलिए कि दुनिया में हमें ज़िंदगी गुजारनी है हमारी आखरत को बेहतर बना दे इसलिए कि आखरत असल ठिकाना है, हैब्बना तकबल मना इनकान तस्म उम रहीम बिरहमतिका या अरहमर कयामीन आमीन الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدَى هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعل منهم وخذل من خذل دين محمد محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعل منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِذُكُمْ لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة